रावसर में किसानों ने DWD और NWD नहर की टेल तक पूरा पानी नहीं पहुंचने से जल संसाधन खंड कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने उच्च अधिकारियों को बुलाकर समस्या का समाधान कर टेल तक पूरा पानी दिए जाने की मांग की और इस मौके पर भारतीय किसान संघ ने भी किसानों का समर्थन दिया। DWD और NWD की जो टेलें हैं वो लगातार पिछले 4 माह से पिट रही है और भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में पिछली बार 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने अधिकारियों का घेराव भी किया था। उसमें इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि अगले ही जो रेगुलेशन आएगा उसमें आपका जो निर्धारित पानी है इनसे का 10 AC वो पानी पूरा हो जाएगा। नहरों की सफाई भी करवा दी, ये सभी अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद। सफाई करवाने के बाद में भी DWD NWD दोनों टेलें पिट रही हैं, दोनों के लगभग 7.5 AC के आसपास पानी है। आज सभी किसान दोनों टेलों के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज 2 घंटे या 3 घंटे का हम घेराव करेंगे। अगर आज समस्या का समाधान नहीं हुआ कल से अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे और इन अधिकारियों को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि किसानों को हल्के में ना लें। भारतीय किसान संघ इनके साथ है और भारतीय किसान संघ के सारे कार्यकर्ता है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक दोनों टेलों पर पानी पूरा नहीं होगा तब तक इन अधिकारियों को बाहर नहीं निकलने देंगे। मैंने बताया ना, रावत सर्वे डिस्ट्रीब्यूटरी और NWD DWD में सिल्ट जो और घास फूस उगे थे उस सबको हमने अभी सफाई करा दिया पिछले बंदी में, और जो और ऐसे कोई अवैध कोई कड़ी वहाँ लगी हुई है नहीं। अब ये पानी करीब 7.5-8 AC पहुँच रहा है, लेकिन मेन समस्या RWD की जो है रेजिंग होनी है, वो रेजिंग में बेड का काम तो हो गया, रेजिंग होनी है वो डावल बन रहा है, वो काम पूरा होते ही फिर ये पानी पूरा मिलेगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।